ईवी हिंदी पर आपका स्वागत है। हीरो मोटर कॉर्प कुछ महीने पहले एक कॉन्सेप्ट व्हीकल को रिवील किया है और इसका नाम है क्वार्क। ये क्वार्क एक मॉड्यूलर व्हीकल है, इसका मतलब ये एक टू व्हीलर है और एक मॉड्यूल ऐड करने के बाद ये एक ऑटो रिक्शा के जैसा थ्री व्हीलर कैटेगरी में मॉडिफाई हो जाते हैं। ऐसे डिजाइन्स को हम मॉड्यूलर डिजाइन्स कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक और मॉड्यूलर व्हीकल के बारे में बताने वाले हैं जो 8 मॉड्यूल्स को ऑफर करता है। इसका मतलब ये व्हीकल एक 18-1 इलेक्ट्रिक व्हीकल, और अच्छी बात यह है कि ये जल्दी इंडिया में भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने का प्लान कर रहा है। ये 18-1 इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है एक्स बस, और इसे एक स्टार्टअप बनाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ब्रांड्स। तो अभी हम ये 8 मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे जो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, जिसके वजह से ये व्हीकल का पूरा पर्पस ही बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये व्हीकल लेने का प्लान कर रहा है तो कंपनी आपको ये बेसिक व्हीकल देता है जिसका नाम है फ्रीडम, जहां पर आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉड्स को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल है बस, मतलब जब भी आप ये व्हीकल पर बस का मॉड्यूल ऐड किया तो ये पैसेंजर्स के लिए प्लेस ऑफर करता है और लगभग 6 लोगों तक बैठने का जगह देता है। अगला मॉड्यूल है कार्गो बॉक्स, मतलब इस पर आप एक कार्गो बॉक्स फिट कर सकते हैं जो आपको कार्गो कैरी करने के लिए मदद करता है। तो ये थर्ड मॉड्यूल है यूनिवर्सल, ये आपको अपने सामान और टूल्स कैरी करने के लिए मौका देता है। तो अब हम फोर्थ मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, और ये है टिप्पर मॉड्यूल। ये टिप्पर का मॉड्यूल आपको डंप करने का फैसिलिटी देता है। अब ये फिफ्थ मॉड्यूल है 4 सीटर का पिकअप, मतलब अभी ये व्हीकल में 4 लोगों के लिए बैठने का जगह मिलता है और कुछ सामान रखने का प्लेस भी मिलता है। तो ये सिक्स्थ मॉड्यूल है 2 सीटर पिकअप, मतलब इसमें कार्गो स्पेस ज्यादा होता है लेकिन बैठने के लिए बस 2 लोगों का ही जगह हो सकता है। और सेवेंथ मॉड्यूल है ओपन, इसका मतलब ये व्हीकल में 4 लोगों के बैठने का जगह मिलता है लेकिन इसका टॉप को हम रिमूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहा है तो ये मॉड्यूल आपको अच्छा लगता है। और आखिरी मॉड्यूल एक कैंपर मॉड्यूल है, मतलब अगर आप कैंपिंग करने का प्लान कर रहा है तो ये मॉड्यूल आप ऐड कर सकते हैं, जहां पर 2 लोगों के बैठने का प्लेस होता है और इसके इंटीरियर में एक फ्रिज, सिंक और एक बेड भी होता है जो आपको कैंपिंग करने का कोई तकलीफ नहीं देता है, जिसके वजह से आपका कैंपिंग आराम से हो सकता है। तो ये सभी मॉड्यूल्स के बारे में जानने के बाद आपको कुछ डाउट्स होता है, और अभी ये डाउट्स को क्लैरिफाई करने का वक्त आ गया है। ये सभी मॉड्यूल्स को आप लेने का कोई जरूरत नहीं है, ये कंपनी प्लान कर रहा है कि ये मॉड्यूल्स आपको रेंट में ऑफर कर सकता है। इसका मतलब जो भी मॉड्यूल आप चाहते हो आप उसे रेंट में ले सकते हैं, और इस रिक्वायरमेंट खत्म होने के बाद आप ये मॉड्यूल को वापस दे सकते हैं। और दूसरा डाउट होता है ये मॉड्यूल का फिटिंग, इसी पर भी हम कंपनी से बात किया है और इलेक्ट्रिक ब्रांड्स मेंशन किया कि एक मॉड्यूल को रिप्लेस करने के लिए 2 लोगों का हेल्प चाहिए और ये रिप्लेसमेंट का टाइम लगभग 20 मिनट तक हो सकता है। तो अब हम ये एक्सबस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किया, तो एक्सबस इस व्हीकल के लिए 2 ऑप्शंस दे रहा है, और वो है सिटी ऑप्शन और ऑफ रोड ऑप्शन। ये ऑफ रोड ऑप्शन में आपको 10 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस एडिशनली होता है। ये एक्सबस को 4 हब मोटर्स चलाते हैं, जिसके वजह से इसको 100 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड मिलता है। एक्सबस ये व्हीकल पर बैटरी पैक को भी ऑप्शंस दे रहा है, और इसका हाईएस्ट बैटरी पैक 30 किलोवाट आवर तक हो सकता है, जो लगभग 600 किलोमीटर तक रेंज दे सकता है। ये बैटरी पैक्स को रिचार्ज करने के लिए स्टैंडर्ड 220 वोल्ट सप्लाई से लगभग 5 घंटे तक टाइम हो सकता है, और 11 किलोवाट का फास्ट चार्जर से चार्जिंग करने के लिए ये टाइम बहुत कम हो सकता है। ये व्हीकल में आपके रेंज और आपके मॉड्यूल कुछ चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये व्हीकल का वेट और इसका मॉड्यूल के वेट के एडिशन के बाद ये व्हीकल में रेंजेस में कुछ चेंजेस हो सकता है, क्योंकि व्हीकल का वेट बढ़ गया है। अभी इलेक्ट्रिक ब्रांड्स ये एक्सबस को यूरोप में ऑफर कर रहा है, और कंपनी मेंशन किया कि
ये व्हीकल को इंडिया में भी लॉन्च करने का तैयारी कर रहा है और जल्दी अपने रिटेल नेटवर्क को भी इंडिया में एक्सपेंड करने का भी तैयारी कर रहा है। तो ये मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सबस के बारे में आपके ओपिनियन कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे ईवी हिंदी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।